સંઘ પ્રદેશ દાદરાનગર હવેલી લોકસભા બેઠકની પેટા ચૂંટણીનો પ્રચારનો ધમધમાટ શરૂ થઈ ગયો છે. જો કે ભાજપ દ્વારા હજુ સુધી ઉમેદવારની જાહેરાત નથી કરી, પરંતુ ઉમેદવાર પસંદગીની પ્રક્રિયા અને પાર્ટીના અગ્રણીઓ અને કાર્યકર્તાઓની બેઠકનો દોર શરૂ થઈ ગયો છે. કેન્દ્રીય રેલવે મંત્રી અને દાદરાનગર હવેલી લોકસભાના બેઠકના ભાજપના પ્રભારી અશ્વિની વૈષ્ણવ દાદરાનગર હવેલીની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેમની સાથે આ લોકસભાના બેઠકના ભાજપના સહપ્રભારી એવા ગુજરાતના પૂર્વ વન અને પર્યાવરણ મંત્રી ગણપત વસાવા અને નવસારીના ધારાસભ્ય પિયુષભાઈ પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કે લોકસભા કે ઉપચુનાવ કા યે મહત્વપૂર્ણ વક્ત હૈ, ભારતીય જનતા પાર્ટી ઇસ ચુનાવ કો જીતને કે લિયે પ્રસ્તુત હૈ, તૈયાર હૈ, હમારે કાર્યકર્તાઓ મેં જોશ હૈ ઓર બહોત તેજી સે હમ अपने जो हमारा विश्वास है, जनता का विश्वास हमारे ऊपर है, उसको जीतने के लिए मैदान में हम चले जा चुके हैं और जीत के आएंगे जल्दी. धन्यवाद. क्या मुद्दे लेके लोगों? बहुत सारे मुद्दे हैं. सबसे बड़ा मुद्दा विकास का मुद्दा है. सबसे बड़ा मुद्दा दादर नगर हवेली का जो हमारा एक यूनिक कल्चर है, जो यहाँ का एक विशिष्ट इतिहास है, यहाँ का जो विशिष्ट कल्चर है, उस कल्चर को प्रिजर्व करके आगे ग्रो करना है, उसी को डेवलपमेंट के फॉर्म में आगे लेके जाना है. और यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत मैसिव तरीके से हुआ है, उसको एक नई धारा देनी है. किस तरह से लोगों को रोज़गार मिले, किस तरह से सारी जन सुविधाएँ मिले और किस तरह से हमारे एक एक जन का जो एस्पिरेशन है वो पूरा हो. बहुत जल्दी मैं आपके पास आऊँगा वापस. मैं आपके पास आता हूँ ना वापस. सर अभी जो जिस मुद्दे पे चुनाव जिस वजह से लड़ रहा है, क्या लगता है सिटिंग एमएलए जो जिनका निधन हो गया है वो मुद्दा इफेक्टिव रहेगा या उनकी जन भावना है या थोड़ा इमोशनल मुद्दे पे भी लड़ा जाएगा? यहाँ जनता हमारे साथ है. सर जनका फैमिली से कुछ बात हो सकती है और वो उनके साथ कॉन्टेक्ट किया और उनको बीजेपी में? भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने आप में बहुत मजबूत है और हम विश्वास करते हैं हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के बल पर. हम विश्वास करते हैं अपने कार्यकर्ताओं की मजबूती पर और उसी मजबूती पर. और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना से लड़ती है चुनाव. हमारी आइडियोलॉजिकल फाइट होती है, हमारी जीत हमारे कार्यकर्ताओं की जीत होती है. धन्यवाद.